हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब रटा रटाया। क्या हमें चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? बस रटा रटाया बोलते जाते हैं। आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता हो। तो लीजिए, पेश है श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है, मुझे शारीरिक बल और सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों में दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं, श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिया दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर से उड़लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजार युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निकल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता।
आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सफर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। अरिमा जिसमें साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा जिससे साधक अपने आप को चाहे जितना भारी बना देता है। लघिमा जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्त